ठीक है ना, हम जो कह रहे हैं ठीक है ना, मोटी मोटी चीजें हैं वो आपको रिवाइज करनी है। और खास तौर से जैसे कि चेयरमैन सर ने जो क्वेश्चंस पूछे, बड़े इम्पोर्टेंट पार्ट को पूछा, सीआरपीसी में पूछा, सीपीसी में पूछा, तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट। और हमने भी, मैडम ने पूछे जो क्वेश्चंस पूछे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इससे ये लगता है कि मोटी मोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए। एक कोई सुनहरी कोठी है, कहाँ है? टोंक। हाँ, तो इस तरह की जो चीजें हैं ना वो आपको मैंने पूछा भी था। मैम आपने निवाई नहीं, मैंने पूछा था आपने टोंक और निवाई दोनों नाम लिए थे, इसलिए मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट ये था। ओके, आई थॉट इट वाज अबाउट निवाई ओनली, तो मैंने सिर्फ निवाई वनस्थली को ऐड कर ही दिया था। वनस्थली से जा रहे हो, वनस्थली की आपकी मार्कशीट जाएगी, तो वनस्थली के बारे में आपको पूरी जानकारी है। अमेठी के बारे में, अमेठी के बारे में क्या मीनिंग है अमेठी शब्द का, ये थोड़ी थोड़ी मतलब अवेयर होना चाहिए। yes, बहुत गहरी नहीं, और कॉन्फिडेंस के साथ आप इंटरव्यू दीजिए। बाकी सही है, ड्रेस आपका ठीक है, इसी ड्रेस में जाएंगे? यस सर। हाँ, ड्रेस अच्छा। सर, पैंट्स चेंज करने की जरूरत है क्या? देखो, एक ही तरह का होना चाहिए दोनों ही। Yes, आपके क्या कलर अलग अलग है? ओके, मुझे दिख रहे हैं ना, आपको नहीं पता क्या? ये सही है, अलग अलग है ना, पेंट और का और फैब्रिक अलग अलग है, अलग है ना। हाँ, तो वो हमें दिखाई दे रहा है। ओके, तो एक ही कलर में बना लो। ओके, यहाँ आपको चॉइस भी है, आप चाहो तो ब्लैक के अलावा भी रख सकते हो। हाई कोर्ट ना, आरपीएससी में आप अपनी कोई चॉइस के कपड़े भी पहन सकते हो। वहाँ हाई कोर्ट ने ड्रेस कोड फिक्स किया हुआ है, जो ड्रेस कोड आप पहने हुए हो वो आरजेएस के इंटरव्यू के लिए फिक्स किया हुआ है। लेकिन यहाँ आपके पास चॉइस है, आप ब्लेजर बनवा सकते हैं, आप सूट में भी जा सकते हैं। कंफर्टेबल, अभी जैसे आप गर्मी हो रही है तो आप मेरे ख्याल से ना पहने। अब जैसे कल क्या नाम है, एक बच्ची थी तो वो सूट में थी, अच्छा है उसका, अच्छा पहना हुआ था, उसमें भी कर सकती है। तो एक तय कर लो जिस ड्रेस में जाना चाहते हो, जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं किया हुआ। लेकिन आप वहाँ देखेंगे जब इंटरव्यू देने जाएंगे, मोस्टली स्टूडेंट ब्लैक एंड वाइट में जाएंगे, तो उनकी देखा देखी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हाई कोर्ट ने आरजेएस के लिए फिक्स किया हुआ है। yes, और वो ये सोचेंगे सब में चलो नहीं, सर, मैं देने गई थी तब ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं, यहाँ नहीं, हाँ नहीं, आरबीएससी ने तो किया ही नहीं है। आरबीएससी में तो कुछ भी, सूट साड़ी आप जिसमें कंफर्टेबल हो ना वो पहनो, जिसमें आप बेस्ट महसूस करते हो कि मेरे को ज्यादा अच्छा लगा उसमें जा सकते हैं। हाई कोर्ट में आप इंटरव्यू देने जाओ, हाई कोर्ट के लिए तो यही ड्रेस फिक्स है, उन्होंने फिक्स कर दिया, कोई झंझट ही खत्म कर दिया कि आप अलग अलग पहन के जाओ, सबका एक ही। सर मुझे तो मतलब मुझे इसी में कंफर्टेबल होता है। हाँ हाँ, तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बस पैंट्स दूसरी, पैंट दूसरी ले लेना, शर्ट जरूर उस दिन नहीं पहन के जाना। यस सर, वो इसलिए थोड़ा सा अलग रखी है। शर्ट बहुत कम हिस्सा दिखता है, लेकिन दिखता है। हाँ, लेकिन और शर्ट का बड़ा असर पड़ता है। और एक जो सबसे ज्यादा असर पड़ता है अच्छे कपड़ों का, कि हमारी खुद की पर्सनैलिटी में हमें अंदर से हमारे मन में चेंज आता है। जिस दिन हम अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं तो हमें लगता है बहुत अच्छा लग रहा है, तो हमें चेंज आता है। तो हमें चेंज आता है, तो कपड़े तो अच्छे पहन के जाओ, ठीक है सर। मैम जैसे आपने मुझसे एचआर वाले क्वेश्चन पूछा था, जैसे जेएलओ क्यों लिया, और तो इसका, हाँ सॉरी, जेएलओ वाला, तो सर इट वाज ठीक है, आंसर सही था आपका। और जैसे मैम आपने और जैसे आपने कॉर्पोरेट लॉ का पूछा था कि, तो वो आंसर ठीक था वो कॉर्पोरेट और ये जितना है उनके संबंध में, क्योंकि आप करके आए हो उसके लिए एडिशनल नॉलेज की ज़रूरत नहीं, वो नॉलेज तो आपके है, इतनी तो नॉलेज आपके है कि आपने कॉर्पोरेट में LLM किया, पेपर लिखे, आंसर्स लिख के आए हो, तो थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो वो आपको होनी चाहिए। वैसे कॉर्पोरेट का जनरली कोई पूछेगा नहीं, कोई नहीं पूछेगा। नहीं सर, अभी क्या है, दोनों चल रहे हैं। हाँ, UGC का प्रोग्राम है जिसमें 1 ईयर प्रोग्राम भी चल रहा है और 2 ईयर प्रोग्राम भी चल रहा है, प्रोग्राम तो वही है। अच्छा।
तो जिसे वो 2 ईयर में कराते हैं वही 1 ईयर में करा लिया है। तो सब्जेक्ट क्या है? कॉर्पोरेट लॉ, इन्वेस्टमेंट लॉ, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, कंपटीशन लॉ, फाइनेंस, सिक्योरिटी लॉज, ये सब इसमें रहते हैं। वो आपका बैकग्राउंड कॉमर्स था ना, इसलिए वो आंसर आपका ठीक है। हाँ मैम, जैसे ये लीगल ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या, जैसे कि अभी जैसे प्रिवेंशन ऑफ एक वो अनफेयर मीन्स ऑफ चीट वाला आया है एक, और जैसे कि वो एपीओ के सिलेबस में भी हाँ, एपीओ के सिलेबस में भी, और इस हाँ अब जैसे मेटर्निटी रिलीफ सॉरी अबॉर्शन वाला भी चल रहा है अभी, इन सब पे ओपिनियन मांगे जाते हैं क्या कि आपके क्या राय है या क्या नहीं? डिपार्टमेंट के मेंस क्या किस लिए पूछ रहे हैं? जेएलओ के लिए पूछ हाँ, रहे हैं तो जो डिपार्टमेंट आपको मिलता है उससे रिलेटेड ओपिनियन भी, जैसे रेवेन्यू में आप तो उससे रिलेटेड भी। नो मैम, जैसे एग्जाम जैसे इंटरव्यू के टाइम पर जैसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या, जैसे कि जैसे भी इलेक्शन कमीशन का वो हुआ था पहले अनूप बारावाल में उन्होंने कर दिया था, फिर बाद में उन्होंने पास कर दिया था। देखो तो कानून आपको आनी चाहिए, आती है ना, तो कानून की एप्लीकेबिलिटी तो जानकारी होनी चाहिए ना। हाँ। कि उसका अप्लाई कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है। जैसे मैंने अभी आपको सुबह से उनको सोरेन के बारे में पूछा, हेमंत सेन सोरेन के बारे में पूछा। हेमंत सोरेन आर्टिकल 21 के अपने फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि पहले आप हाई कोर्ट हो आओ, उसके बाद आप हमारे पास आना। तो जो एडवोकेट आर्ग्यू कर रहे थे, उन्होंने कहा साहब हम तो सीधे आ सकते हैं, कि नहीं आप सीधे आ सकते हो, एक एडिशनल राइट आपके वहाँ नहीं मिलता है तो हमारे पास बना रहेगा, हमने जो डिसीजन दे दिया फिर आपका हाई कोर्ट का राइट भी ख़त्म हो जाएगा, फिर आप नीचे नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट में या तो आप सीक्वेंस से आ जाए नीचे, और ये आपको सलाह है कि आप नीचे से आ जाए। वो कहते नहीं जी आप भी डिसाइड कर दो, तो वो डिसाइड भी कर सकते थे। सर नहीं, जैसे ये क्वेश्चंस होते हैं ना कि पहले इसमें जैसे कोई मैटर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, फिर उस पर आपकी क्या राय है, जैसे होमोसेक्सुअलिटी को भी मैरिज उन्होंने मना कर दी है, लेकिन ऐसे पूछ सकते हैं क्या कि आपकी हाँ, पूछ क्या सकते हैं, पूछते ही हैं। वो एक संयोग आपके पास से क्वेश्चन नहीं आया, राय तो पूछते ही। राय आपकी जो होगी अकॉर्डिंग टू लॉ होगी, अकॉर्डिंग टू लॉ होगी राय, जो ओपिनियन है, और लॉ से डिफर भी करती है तो कोई बात नहीं, राय तो राय है। ओपिनियन डिफरेंस हो सकता है, ठीक। और सर आप जैसे पोस्टर बैठने का, नहीं नहीं वो ठीक है, वो परफेक्ट है, वो परफेक्ट है, इतना इतना माइन्यूट नहीं जाना है, तो एक पोस्टर भी देगा। हाँ ठीक है, सही तरह से बैठते हैं सभी स्टूडेंट।